मानस में वर्णन आता है कि सही उत्तर गोमती नहाए और चौथे दिवस अवध प्रभु आए। प्रभु हाँ, ये हवाइयों ये है सई नदी। और कहाँ है हम लोग? यहाँ बाबा घोसलनाथ। तो दोस्तों, आप यहाँ के नदी का भव्य जो है नज़ारा आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत है एक वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो का आप देखिएगा तो भगवान शंकर के नाम पर आगे जरूर बढ़ाइएगा, कोई कसम नहीं है, लेकिन फिर भी आप बढ़ा सकते हैं स्वेच्छा के साथ, क्योंकि धर्म की रक्षा करना है तो फिर इस तरह के वीडियो और इस तरह के जगहों के यस यस यस। देखिए पंडित जी कुछ बोले, रक्षा करता है धर्म, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए आप जब आगे बढ़ाएंगे, अगर आप हिंदू सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, आप अपने इस तरह की नदी की भी विशेषता यह है कि ये सई नदी है। जी हाँ, ये सही। इसका रामचरितमानस में वर्णन आता है कि सई उत्तर गोमती नहाए और चौथे दिवस अवध प्रभु आए। प्रभु हाँ, तो ये इस नदी को भी श्री राम देख सकते हैं, ये वही नदी है जिसको श्री राम जी ने पार करके और नौका के माध्यम से पार किया था वापस आते वक्त, जब वो रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके श्रीलंका से आए थे, तो इसी नदी को पार करते हुए। बड़ी मनोरम नदी है, छोटी नदी है। हाँ, ये पुराना पुल है, नया वाला वो बन गया है। तो जो राम जी आए थे तो इसी पुल पे आए थे वो नाव थी उस टाइम हुआ करती थी। तो बड़ा भव्य जो है यहाँ का नजारा है, आप लोग देख सकते हैं। और बाबा घुसननाथ मंदिर का नाम है अमेठी उत्तर प्रदेश गौरीगंज से, तकरीबन गौरीगंज क्या ये प्रतापगढ़ में लगता है। तो गौरीगंज से लगभग काफी बढ़िया सीढ़ियां 25 किलोमीटर। और यहाँ पर ये प्रमोद तिवारी का क्षेत्र, और इसको गोद लिया है मनोज तिवारी ने इस स्थान को। प्रमोद तिवारी, अच्छा प्रमोद तिवारी ने इस स्थान को। तो काफी अच्छा, और यहाँ पर काफी अच्छा व्यवस्था बनाई गई है सोलर की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लगभग पूरे धाम में सोलर पैनल के द्वारा ही बिजली उत्पादन की जाती है। एक और यहाँ पर एक कलात्मक ढंग से देखिए, यहाँ पर जो है इसको सजाया गया है, किसको सोलर पैनलों के माध्यम से। आप देख सकते हैं ऊपर किस प्रकार से कितने सुव्यवस्थित और सुदृढ़ ढंग से जो है इसको। अगर आप हवाई जहाज के माध्यम से निराकरण इसका करेंगे तो पैनल ही पैनल दिखाई पड़े, पैनल ही दिखाई देते हैं। जी हाँ, तो ये देख सकते हैं, ये थी इस स्थान की महिमा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, यहीं पर बाबा विश्वनाथ के स्थान से हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बोले शंकर भगवान की जय, जय महाकाल।